हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो सी एम ए इंटर एंड फाइनल का रिजल्ट आ चुका है। अर्ली मॉर्निंग ही आ गया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आने लगे कि सर मेरा सी एम ए इंटर क्लियर हो गया है, सर मेरा सी एम ए फाइनल क्लियर हो गया है। तो जिन लोगों ने भी इंटर और फाइनल क्लियर कराया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिजल्ट का एनालिसिस और इस रिजल्ट परसेंटेज को कैसे पढ़ते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको भी गलत समझ लेते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रिजल्ट परसेंटेज क्या है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। और चलिए इसके बारे में बात करते हैं क्या रिजल्ट परसेंटेज रहा है। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं आपको कि अगर आप सी एम ए फाइनल या इंटर के लिए एनरोल कराना चाहते हैं तो आप gyansagarclasses.com पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आप आपके सी एम ए फाइनल या कैंपस प्लेसमेंट के लिए एनरोल करा सकते हैं। इसके नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। आपके जो सी एम ए कैंपस के बैच है वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और सी एम ए फाइनल के जो है अपकमिंग वेनसडे से स्टार्ट हो रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर है उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रिजल्ट परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं कि सी एम ए इंटर ग्रुप वन का रिजल्ट परसेंटेज वो 11.06% रहा है। तो जिन्होंने ओनली ग्रुप वन दिया था उसमें से 11% बच्चे पास हुए, और जिन्होंने ओनली ग्रुप टू दिया था उसमें से 28.87% बच्चे पास हुए। मतलब ये रिजल्ट परसेंटेज अच्छा रहा है। वहीं मैं बात करूँ जिन्होंने इंटर के दोनों ग्रुप दिए और दोनों ग्रुप क्लियर कर भी लिए, वो 16.55% है। और जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए लेकिन एक ही ग्रुप कर पाए, दोनों ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए, वो 8.66% है। वहीं फाइनल में देखें तो ग्रुप थ्री सिर्फ पास करने वाले 14.38 है और सिर्फ ग्रुप फोर पास करने वाले 14.02। ग्रुप फोर का रिजल्ट परसेंटेज ग्रुप थ्री के रिजल्ट परसेंटेज से कम दिख रहा है यहाँ पर, जो कि एक सरप्राइजिंग है। नहीं तो ग्रुप फोर का परसेंटेज ग्रुप थ्री से अप्रॉक्स 1.5 टाइम या डबल भी होता है। तो यहाँ पर इस बार ग्रुप फोर का रिजल्ट परसेंटेज कम कर दिया गया है देखा जाए तो। इसमें कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जैसे CFR का पेपर हो गया, या फिर इस बार तो IDT भी थोड़ा हार्ड दिया गया था, इस वजह से हो सकता है कि रिजल्ट परसेंटेज कम रहा हो। ऐसे बच्चे जिन्होंने फाइनल के बोथ ग्रुप दिए थे और फाइनल ही क्लियर कर लिया वो है 11.22%। तो 11% में फाइनल का रिजल्ट परसेंटेज बोल सकता हूँ और 16.55 जो है मैं इंटर का रिजल्ट परसेंटेज बोल सकता हूँ, क्योंकि बोथ ग्रुप पे देखा जाता है। और वहीं जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए और एक ग्रुप पास कर लिया वो है 8%। तो 8.06% वो बच्चे रहे हैं। तो ये रिजल्ट परसेंटेज आपके सामने है। ना मैं इसे बहुत खराब बोलूंगा, ना मैं इसे बहुत अच्छा बोलूंगा। ये एक मॉडरेट एवरेज रिजल्ट परसेंटेज है जो कि रहा है। टोटल 1315 CMS जो है इंडिया को मिल गए हैं। तो 1315 नए CMS जो है CMA फैटर्निटी के अंदर जुड़ चुके हैं। अब बात होती है सर हम आगे क्या करें जिन्होंने CMA इंटर क्लियर करा है। तो CMA इंटर क्लियर करने वाले बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, इसमें मैं डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ। हालांकि वो अपने ट्रेनिंग प्लस फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड बैचेस भी चलाते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग का अरेंजमेंट भी होगा और फाइनल भी होगा। वो भी आप जो है साथ में वो वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेनिंग काम सिखाया जाता है, उसका सर्टिफिकेट, देन फाइनली जो है आपको फाइनल की क्लासेस भी दी जाती है। और वहीं जिन्होंने CMA फाइनल क्लियर कर लिया है वो बिल्कुल देर ना करें, उनको कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और ये बहुत इमीडिएट होती है, ऐसा नहीं कि बहुत बाद में कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मंडे से इसका बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे को देखिए मैं डेट देख लेता हूँ, इट्स 26 जन्माष्टमी है, उस दिन से इसका बैच स्टार्ट होने वाला है। फाइनल के नए बैच जो है वो 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप इनको जरूर से ज्वाइन करके अपनी सफलता जो है, अपनी सक्सेस जो है वो एंश्योर कर सकते हैं। और CMA फाइनल वाले स्टूडेंट्स को डिटेल वीडियो एक आने वाला है कि कैंपस प्लेसमेंट में क्या क्या होगा। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आप gyansagarclasses.com पर जा सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो cmacard.com पर भी जा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका और भी रिजल्ट परसेंटेज या किसी चीज़ को लेकर के डाउट है, या फिर आप कोई काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।